one year back we had uploaded a video on our own Vimeo channel and अभी हमने क्या किया है, जो फिल्म हमारी 22 जून को रिलीज हुई है, हमने उस वीडियो को रिप्लेस कर दिया अपने अभी के वीडियो से. सो अभी आप अगर हमारे चैनल पे जाओगे तो व्हाट यू विल सी इज दैट कृति वाज अपडेटेड और वाज रिलीज्ड ऑन आवर चैनल वन ईयर बैक, व्हिच इज नॉट ट्रू, बट दैट्स हाउ यू कैन मैनिपुलेट एंड समबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड क्लेम दैट द फिल्म हैज कम बिफोर आवर फिल्म. अब देखो, जुलाई में ईद की पार्टी में हमारा ये आइडिया स्टूडियो का आइडिया की बात हुई. उसके बाद देर आर बिजी एक्टर्स लाइक मनोज एंड राधिका वगैरह वगैरह एंड देन वी हैव टॉप ऑफ द लाइन टेक्नीशियंस, फीचर फिल्म टेक्नीशियंस इन द फिल्म. हमने सबसे बात करके डेटें लेने शुरू कर दी. डेट्स वेट्स लेके फरवरी में शूट को प्लान किया, जून पे रिलीज. जून की रिलीज भी 3 महीने पहले से प्लान हुई कि कौन गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, उनके डेट्स, वेन्यू क्या, इतना सब प्लान करके हमारी फिल्म जो जुलाई से शुरू हुई जून नेक्स्ट ईयर जाकर रिलीज हुई, क्योंकि हमने फिल्म की तरह प्लान किया था उसको. इस दौरान बीच में कोई शादी का वीडियो बनाने वाला हैंडीकैम लेके कुछ ऐसे कुछ घंटों में शूट करके इस विमियो की जो एक फ्लॉ है सिस्टम में, उसमें पुराने डेट डाल के हम पे इल्ज़ाम लगाता है और सब टूट पड़ते हैं. अच्छा, पब्लिक ये बात नहीं मान रही, क्योंकि यूट्यूब में हमारे कॉन्स्टेंटली व्यूज़ बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं. सिर्फ 3 लोग हमको अटैक कर रहे हैं इसमें, वो 3 बता दूँ कौन है. एक है बहुत सारे नेपाल के सिटीजन्स, ठीक है, ये मुझे समझ में आ जाता है उनका लॉजिक क्या, क्यों वो देशभक्ति है उनका, उनको लगता है हमारे आदमी के साथ हुआ. अब उन बेचारों को क्या पता कि फ्रॉड ने क्या किया, दे हैव बीन मिसगाइडेड. ओके, अब वो देशभक्ति में कर रहा है, आई अंडरस्टैंड वाई दे डू इट एंड दे आर राइट अगर सपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि उनको पता नहीं है, अभी सच पता चलेगा तो. दूसरा, सोशल मीडिया पर जो ट्रोल्स होते हैं वो लोग भी मुझे समझ में आता है क्यों करते हैं, उनका तो काम ही ट्रोल करना है, चाहे किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए ट्रोल करे. तीसरा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इसका जवाब आप ही दे दो, मीडिया, खास करके हमारी. जब शुरू में ये मीडिया जो हमको बोला कॉपी का, भी मुझे लगा शायद उनको टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रहा है विमियो का, कि ये पुराना डेट जो प्राइवेट है, हाँ, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ पब्लिक में ही जब मई में आई उससे पहले 3 ही, वो हम कैसे देख सकते थे. तो मैंने कुछ, मुझे मीडिया से बहुत डर लगता है, फिर भी मैं सोचा कि कुछ मेन लोग को मैं समझा दूँ कि हुआ क्या है. तो उन्हें बात करके उनको समझाया ये बात कि भाई मई से पहले ये तो प्राइवेट था, उससे पहले किसी ने नहीं देखा ये चीज़, पब्लिक में मे में आई, तो मैं कैसे देख सकता हूँ ये चीज़. उसके बावजूद कोई नहीं मान रहा ये बात, फिर भी नेगेटिव किए जा रहे हैं भाई इसका. मेरे को अच्छा, मुझे ये समझ में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे को मज़ा आता है कि कोई कामयाब आदमी हो तो उसको गिराओ. साला मैं तो कामयाब भी नहीं हूँ यार, मैं नीचे हूँ और कितना गिराओगे. तो साला आई एम कम्प्लीटली, सो दैट इज़ वाई दिस एक्सपोज इज टू शो टू ऑल ऑफ यू, होपिंग दैट विद द सेम एंथुजियाज्म दैट यू हैव टेकन सपोर्ट अस इन दिस.